हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वेरी इजी क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा वक्त इसमें नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त दीजिए, क्विकली इसे सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। ठीक है, इस पर अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बिकॉज दीज आर वेरी इजी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी एंड सिंस ओनली वन एक्सरसाइज देयर, बेसिकली ओनली वन एक्सरसाइज, नॉट इवन टू, ओनली वन एक्सरसाइज इज देयर। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से, और डिफिकल्ट अगर ना भी आए तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। सो बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए इजी क्वेश्चंस पे हम उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उन पे ज़्यादा टाइम देना बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म अ पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ सर्कल एंड देयर इज अ टेंजेंट, देयर इज अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू, the length of the tangent to a circle is 24, so this is 24 centimeter, and distance of q from the center, or center se iski duri hai 25 centimeter, theek hai 25 centimeter, and we have to find the radius, radius nikalna. Isi tarike ke ek aur question hai, question number hai is exercise mein, aur bhi questions hai same isi type ka. So main isse bahut hi easy questions manta hu, easy level question. डोंट गिव मच टाइम ऑन ऑल दिस। डायरेक्टली हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि टेंजेंट से, क्या जानते हैं टेंजेंट से, जब हम सेंटर से जब हम टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाएंगे, ये जो लाइन है ये टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंस इट्स अ राइट ट्रायंगल, सो इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी एंगल, हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्यू ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। सो ओ क्यू स्क्वायर इज कितना दिया हुआ, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, निकालना है रेडियस, प्लस पी क्यू स्क्वायर दैट इज 24 का होल स्क्वायर, करेक्ट। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। ज़्यादा तुम्हें अगर स्क्वायर नहीं आता इसको कैलकुलेट करना तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24, तो दिस बिकम्स 49 इंटू 1, करेक्ट। सो व्हाट वी हैव, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, आर इक्वल टू 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर निकल गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप ऑफ, टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 100 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू। सो हमारे पास एक सर्कल है एंड टी पी एंड टी क्यू, सो टी पी टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज पी टी क्यू, इसका एंगल निकालना है, बहुत आसान है, देखो कितना आसान है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल सम, सारे का एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। हम क्या कह सकते हैं, देखो
हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल पी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्यू 90 डिग्री होगा। फिर से मैं वही बात बोलूँगा, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है थ्योरी में। ठीक है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री होगा। कितना आसान है, देखो एंगल पी हो गया 90 प्लस एंगल ओ इज 110 गिवन, एंगल क्यू कितना दिया हुआ है, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, एंगल टी निकालना है 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 180 और 290, 180 प्लस 110, 9290 प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल टी इक्वल टू 70 डिग्री, दैट इज ऑप्शन बी, एंगल पी पी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, करेक्ट। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ सम वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी, इट्स वेरी इजी एंड आल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बस डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आए, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत ही आसान है पर एग्जाम में आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक्सरसाइज 10.2 का कि द लेंथ ऑफ द ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस निकालना है, हमें सर्कल का रेडियस निकालना है। ठीक है, सर्कल का रेडियस निकालना है और दिया हुआ है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, सो दिस इज द टेंजेंट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, अच्छा तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, जॉइन दिस टू, दिस विल मेक 90 डिग्री। हमें पहले से पता है कि सेंटर के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लाइन ज्वाइन करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, इसमें से रेडियस को निकालना है। देखो कितना आसान सवाल है ये, दिस इज द राइट ट्राइंगल, सो सिंस इट इज अ राइट ट्राइंगल वी कैन इजिली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यही दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 80, 4 सेंटीमीटर, और सेंटर से ए पॉइंट की जो दूरी थी वो 5 सेंटीमीटर था। डायरेक्टली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इजी क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो ए ओ स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी, दैट इज रेडियस, लेट्स टेक इट एज आर, आर स्क्वायर प्लस ए टी इज 4 स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16 एंड आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, आर स्क्वायर इक्वल टू R equal to plus minus 9, R equal to 3 plus minus 3, minus नहीं लेंगे क्योंकि length कभी भी minus में नहीं होता। ठीक है, so radius निकल गया 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को समझने की देरी है पर आने के भी चांसेस हैं, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है,
बट मैक्सिमम 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से ज़्यादा इसमें इस क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वेरी इजी लेवल के क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने कहा कि इजी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड आता है पेपर, क्वेश्चन पेपर में मिक्स्ड आता है, तो इजी लेवल के भी होते हैं, मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हॉर्स जिसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ओके, लेट अस कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। दिया गया है कि 2 concentric circles आर ऑफ रेडियस 5 centimeter एंड 3 centimeter। तो 2 circle दिया गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सो वन इज 5 centimeter, लेट सपोज दिस इज 5 centimeter, दिस इज 5 centimeter एंड दिस इज 3 centimeter, ठीक है, दिस इज 5 centimeter एंड दिस इज 3 centimeter। तो 2 concentric circles, बड़े वाले का है 5 centimeter और छोटे वाले का 3 centimeter दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो देखो, एक कॉर्ड है, कहा गया है कि एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, ठीक है, तो बड़े सर्कल के लिए जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बन रहा है वो, ठीक है, बड़ा वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है पर छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह एड कर रहा है। तो इसको मैं रेडियस को हटा के यहां रेडियस कर दे रहा हूं, दिस इज द रेडियस 3। एंड क्या करते हैं, इस 5, दिस वुड बी 5 बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, 5 centimeter, करेक्ट, वी कैन जॉइन दिस एंड जॉइन दिस, फाइन, नेम दिस वन, दिस क्वाड का नाम क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम एक नाम खुद से रख लेते हैं, ए बी एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एस पी। देखो, बहुत ही आसान सवाल, मैंने जैसे कहा कि ये क्वेश्चन, अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट जो कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक बात देखो, दिस सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जो लाइन है, ये 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट पे, हमें पता है पहले से, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट, सो दिस इज 90 डिग्री। इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो हम इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए तो एपी का वैल्यू निकल जाएगा, और एपी का वैल्यू निकल जाएगा तो पीबी का भी उतना ही वैल्यू होगा। क्यों क्यों उतना ही वैल्यू होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, लाइन जॉइनिंग ना द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू 2 पार्ट, वी नो दैट, देयरफॉर एपी इक्वल टू पीबी, दिस इज अ क्लास 9 थ्योरम कि एपी इक्वल टू पीबी होगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, देखो तुम लोग को अभी भी आ जाएगा, हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ए ओ पी, क्या कह सकते हैं, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, कह सकते हैं, सो ए ओ स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 5 square 25, ओ पी स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक है, तो पी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9 दैट बिकम 16, पी ए इक्वल टू 4 centimeter, तो पी ए का वैल्यू कितना निकला, 4 centimeter, एंड वी नो दैट देयरफॉर पी बी इक्वल टू 4 centimeter, सिंस पी ए इक्वल टू पी बी, मैंने कहा ना पी ए इक्वल टू पी बी होता है, बिकॉज दिस द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लास 9 थ्योरम, सो पी ए इक्वल टू पी बी, देयरफॉर टोटल ए बी का लेंथ कितना होगा, ए बी का लेंथ होगा 4 + 4 centimeter, दैट इज इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल पे हमने फॉर्मूला लगाया और हमने पी ए निकाल दिया, और एक बार पी ए निकाल दिया उतना ही वैल्यू पी बी का होगा, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा। तो 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस है, आने के चांसेस हैं पर ज्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इसे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बता दें कि ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, मतलब उतना इजी है, इजी और मीडियम लेवल के बीच में आता है और इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से कहूँगा इम्पॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, कंसंट्रेट, ठीक है। सी अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ये क्वेश्चन हम, इतना आसान क्वेश्चन है, देखो हम इजीली कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैं इसको मीडियम लेवल का भी नहीं कहूंगा, इस क्वेश्चन को इजी कहूंगा मैं, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ, ठीक है, और नाम दिया गया है ABCD, हियर PQRS। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ये प्रूफ करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हमें पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट अगर है तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ हमें पता है इक्वल होता है, जो दो टेंजेंट निकलते हैं दोनों के टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, AP = AS कह सकते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं AP = AS कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसी तरीके से पॉइंट बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं BP = BQ। और क्या कह सकते हैं, हमें चाहिए AB, देखो AB का कंपोनेंट मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में AB चाहिए और CD चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में AB और CD चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने AB को डाल दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में CD चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं रखूंगा CR = CQ और DR = DS। मैंने जानबूझ के CR और DR को लेफ्ट हैंड साइड में रखा क्योंकि इससे मुझे CD का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सो रीजन क्या देंगे इसका, इसका रीजनिंग क्या देंगे, इसका रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। रीजन देना मत भूलना, एग्जामिनेशन में रीजन देना कभी मत भूलना। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से तुम्हारे मार्क्स जो फुल आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स इस तरीके से मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आप रीज़न नहीं लिखते हैं किसी भी चीज़ का। आप कुछ भी लिखिएगा तो उसका रीज़न ज़रूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चारों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड कर दे क्या मिलेगा, देखो AP + BP + CR + DR इज इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS, ठीक है। तो AP + BP दिस बिकम्स AB एंड CR + DR दिस बिकम CD
एंड यहाँ ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिखे हैं और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिख देते हैं. सो दिस बिकम्स ए एस प्लस डी एस बिकम्स ए डी एंड बी क्यू प्लस सी क्यू बिकम्स बी सी. प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड. ये बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन का जरूरत नहीं है. ठीक है.